हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हेलो मिनी सीजन 2 का एपिसोड 9, जिसका नाम है सेव हरमिनी। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें दिखता है कि मिनी हिया के घर पहुँचती है। वहाँ हिया उसे अपना नाम प्रियांशा है ऐसा बताती है और कहती है कि अगर वो अब यहाँ से चली नहीं गई तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। मिनी उससे ये कहती है कि डेडिफाई के साथ जुड़े हुए बहुत से लोग या तो मर गए या तो ड्रग एडिक्ट हुए हैं, तुम इसे छोड़ दो। पर इस बात का प्रियांशा के ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करने लगती है। ये सब देखकर मिनी बहुत कंफ्यूज होती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर वो स्ट्रेंजर को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि जो लड़की तुम मुझे हिया बता रहे थे वो हिया नहीं बल्कि प्रियांशा है। इस पर स्ट्रेंजर उसे कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है उस लड़की का नाम क्या है, तुम्हें तो बस उसे बचाना है। इस पर मिनी कहती है कि मैं उसे क्यों बचाऊँ, उसे बचाने के चक्कर में मैं इसमें बुरी तरह से के फंस गई हूँ। स्ट्रेंजर उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, बाकी समाज के प्रति तुम्हें कुछ लेना है कि नहीं, तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम अभी प्लीज़ इस लड़की को बचाओ। बाद में मिनी अपने घर चली जाती है और वहाँ ये देखती है कि उसके बिल्डिंग के नीचे पुलिस ऑलरेडी आ चुकी है। पुलिस उसे कहती है कि उसका DNA नित्या के नाखून में मिला है, खून में से मैच हो चुका है। मिनी ये समझ जाती है कि उस दिन डैनी उसका DNA सैंपल लेने के लिए ही घर आया था। मिनी पुलिस से कहती है कि चाहे तो वो उसे अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसने नित्या को नहीं मारा है और जिसने मारा है वो उसकी तलाश कर रही है। इंस्पेक्टर उससे सबूत मांगते हैं तो वो अपने पास ट्रेजनर का भेजा हुआ जो वीडियो होता है वो उन्हें दिखाती है, पर उस वीडियो में नित्या के कातिल का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। उस पर मिनी कहती है कि जो लैपटॉप वहाँ मौजूद है वो भी खूनी लेके गया है और उसको हैक करके वो उन तक पहुँच जाएगी, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दो। इंस्पेक्टर मिनी के ऊपर विश्वास रखते हुए उसे कुछ दिन की मोहलत देता है। अगले दिन मिनी तिस्ता के कहकर डियर डिफाई सिस्टम हैक करके प्रियांशा को मैसेज करने के लिए बोलती है, जिसमें उसे वो मॉर्निंग में उसी मॉल में स्मोकिंग एरिया आने के लिए कहती है जहाँ नित्या का खून हुआ था। प्रियांशा भी इसे टास्क समझकर वहां जाने के लिए राजी होती है। वो विराट को भी पर्सनल नंबर पर मैसेज करके इसके बारे में बताती है, पर वो मैसेज विराट की पार्टनर विक्सी पढ़ती है और डिलीट कर देती है। बाद में विक्सी कोई जहरीले गैस से प्रियांशा को मारने का प्लान बनाती है। दूसरे दिन जब प्रियांशा उस मॉल में पहुँचती है तो ये देखती है कि मिनी वहाँ मौजूद है और मिनी उसे सब बातें बताती है, पर प्रियांशा को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है और वो वहाँ से निकल जाती है। मिनी को ये लगता है कि वो प्रियांशा को विश्वास में लेके उसके ज़रिए डेडिफाई के क्रिएटर तक पहुँच सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। इसी बारे में वो इंस्पेक्टर के साथ बात कर रही होती है, उतने में वहाँ डैनी आता है और वो ये देखता है कि इंस्पेक्टर और मिनी मिल चुके हैं और अभी नित्या के हत्यारों को शायद ही सज़ा मिलेगी। वो इंस्पेक्टर और मिनी से झगड़ा करके वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें ये दिखता है कि प्रियांशा के घर विराट आया होता है और वो दोनों सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे होते हैं। उनका एक्ट खत्म होने के बाद प्रियांशा विराट से पूछती है कि मॉल के टॉयलेट में हाल में ही हुए एक टास्क के दौरान उसे किसी जर्नलिस्ट ने पकड़ा था और उसके बारे में उसने तुम्हें रिपोर्ट किया था। उस जर्नलिस्ट का क्या हुआ, क्योंकि अब कई दिनों से वो दिखाई नहीं दी, क्या तुमने उसे पैसे देकर चुप करवाया? इस पर विराट के पास कोई भी जवाब नहीं होता है और ये बात कहकर टाल देता है कि उसने इस बात को कुछ सीरियस नहीं लिया था और क्या पता वो जर्नलिस्ट अब कहाँ गई। विराट के जाने के बाद प्रियांशा को मिनी के बातों के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट होने लगता है। वो उसे कॉल करके अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। मिनी तुरंत इंस्पेक्टर के साथ प्रियांशा के घर पहुँच जाती है और इसे इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करती है। मिनी प्रियांशा से कहती है कि अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम डेडिफाई के क्रिएटर तक पहुंच जाएंगे और उन्हें पुलिस की सलाखों के पीछे डाल देंगे, क्योंकि वो बेगुनाह बेबस लोगों के लाइफ के साथ खेल रहे हैं। प्रियांशा का दिमाग कुछ इस तरह से प्रोग्राम हो गया था कि उसे डेडिफाई के टास्क के सिवाय बाकी कोई भी काम एक लोड सा लगता था और उसे पैनिक अटैक आता है। मिनी ये देखती है कि प्रियांशा कहीं बाहर नहीं जाती, उसकी वजह से उसे ये सब हो रहा है। वो उसे एक मॉल में ले जाती है और वहाँ उसे थोड़ा रिलैक्स फील करवाती है, उसे कुछ चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहती है। लोगों से बात करना है, कैसे करना है, लोग कैसे दिखते हैं, ये सब अच्छी तरीके से समझाती है। वो उसे ये जताती है कि डेडिफाई के बाहर भी एक लाइफ है और वो बहुत नॉर्मल और इंडिपेंडेंट है। इसके बाद प्रियांशा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है।
दूसरे दिन प्रियंशा के मोबाइल पर टास्क आता है जिसमें लिखा रहता है कि उसे स्लीपिंग गैस से भरी हुई कार में अपने आप को लॉक करके अकेले ही सेक्सुअली अराउज होना है और 10 मिनट के अंदर अपना ऑर्गाज्म करवाना है। इसके बाद प्रियंशा मिनी को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। तब मिनी उसे बताती है कि वो उस पर आसपास ही रहेगी और पुलिस भी उनकी मदद करेगी। तो तुम बिना टेंशन ये टास्क करने के लिए जाओ। प्रियंशा टास्क करने लोकेशन पे पहुंच जाती है। वहाँ एक कार खड़ी होती है, उसमें वो जाकर बैठती है और अंदर रखे मोबाइल पर टास्क स्टार्ट करने का बटन दबा देती है। इसके बाद कार के दरवाजे लॉक हो जाते हैं और स्लीपिंग गैस धीमे धीमे आना चालू होता है। टास्क शुरू होता है और ये सब मिनी मोबाइल पे देख रही होती है। वह पुलिस तिस्ता की मदद से डेडीफाई के अड्डे का लोकेशन ट्रैक करने में जुड़ जाते हैं। क्रिएटर भी बिडिंग प्रोसेस में लग जाते हैं और स्लोली स्लोली उनकी बिडिंग बहुत बड़ी रकम तक पहुंच जाती है। प्रियंशा सक्सेसफुली समय पर अपना टास्क खत्म तो कर लेती है, लेकिन बाद में उसकी कार का दरवाजा अनलॉक नहीं होता है और उसका दम घुटना शुरू होता है। ये देखकर क्रिएटर विराट थोड़ा सा टेंशन में आता है और वो समझ जाता है कि ये हरकत उसकी पार्टनर विक्सी ने ही की है। प्रियंशा को बचाने के लिए मिनी, पुलिस और विराट उस लोकेशन पे पहुंच रहे होते हैं और इसी नोट पे ये नौवां एपिसोड खत्म होता है। मेरे चैनल फिल्मी खजाना पर रोज मूवीज, वेब सीरीज, इनके डिटेल एक्सप्लेन के वीडियो पोस्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके आपका सपोर्ट दर्शाएं। थैंक यू।